A very good morning, dear students. Today we will continue chapter 3. So what are you anyway? So students, now you all will open your English literature book, page number 26. In previous class we had completed this chapter till para 28. So we will continue from para 29. Okay. So the man lowers the back of the his seat, chuckling his whispers to his wife. अब जब कैल जब उनको आंसर देती है, I'm a big girl, then what happened? जो मैन है वो उनके सीट पर बैठा हुआ है और चकलिंग इट मीन्स बहुत ही धीरे धीरे से वो दोनों हंस रहे हैं. कौन? मिस्टर नॉर्टन एंड मिसेस नॉर्टन दोनों के दोनों हंस रहे हैं. एंड ही विस्पर्स टू हिज वाइफ, और जो मिस्टर नॉर्टन है वो अपनी वाइफ से धीरे धीरे कानाफूसी कर रहे हैं, मरमर करना, जैसे धीरे धीरे बातें करना. नो कैरल हियर्स केयर्स सॉरी कैरल हर्स हर विस्पर बैक, और जो कैरल है जब वो बैठी हुई उनके पास में, तो उनकी जो मरमर धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बात कर रहे हैं उनको वो सुनती है. यू आस्क हर कैरल योन, अब जो वो जो दोनों हस्बैंड वाइफ बात करते हैं तो वो क्या सुनती है. यू आस्क हर, तुम उससे पूछो. कैरल योन्स होल्ड एमीज हैंड एंड गोज टू स्लीप, अब जो कैरल है वो एक्चुअली यौन यानी थोड़ी सी उबासी लेना है और फेस को ओपन करके हम करते हैं ना, तो ऐसे वो करती है और अपनी जो डॉल है उसको होल्ड करती है और सोने की तैयारी करती है. द क्लिकिंग ऑफ सिल्वर वेयर वेकेंस हर, और एक्चुअली जब थोड़े जो यूटेंसिल्स होते हैं जो उनके थोड़े से बजने की जब आवाज होती है सिल्वर वेयर, उसकी वजह से वो थोड़ा सा मतलब जग जाती है. बट शी हियर द मैन एंड वुमेन टॉकिंग अबाउट हर, सो शी कीप्स हर आईज शट. एक्चुअली जब उसको पता लगता है कि जो मिस्टर नॉर्टन मिसेस नॉर्टन दोनों ही जो हस्बैंड वाइफ है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उनकी बातों को जब वो सुनती है तो वो एक्चुअली अपनी आईज को बंद कर लेती है कि आखिर ये क्या बात करते हैं, कर रहे हैं मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे इनकी बात को सुनना चाहिए. इस तरीके से वो अपनी आईज को बंद करती है. पैरा 30. आई डोंट नो हेनरी, सेज द वुमेन, डोंट आस्क मी, आस्क हर. अब जो मिसेस नॉर्टन होती है वो मिस्टर नॉर्टन से क्या कहती है कि मुझे नहीं मालूम, इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क डायरेक्टली, तुम खुद ही उससे पूछ लो, मुझे मैं नहीं पूछूंगी. मतलब यहाँ पर वो दोनों कुछ पूछना चाहते हैं, एक्चुअली मिस्टर नॉर्टन कुछ पूछना चाहते हैं कैरल से, वो क्या पूछना चाहते हैं, यहाँ थोड़ा सा सस्पेंस एक्चुअली. सो ना आई एम काइंड ऑफ क्यूरियस, ही सेज aren't यू. अब मिस्टर नॉर्टन क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा पूछने की इच्छा हो रही है कैरल से कि एक्चुअली मतलब जो भी उसको पूछने की थोड़ी सी वो क्यूरियस हो रहे हैं, तो अपनी वाइफ से बोलते हैं क्या तुम्हें नहीं हो रहा क्यूरियोसिटी कि तुम कुछ पूछो उससे. देन पैरा 32. कैरल कांट मेक आउट द वुमेन्स आंसर, बट देन शी हियर्स हर से. जो कैरल है वो अपनी जो वुमेन जो बात कर रही थी एक्चुअली उसके आंसर को समझ नहीं पा रही थी, बट देन शी हियर्स हर से, लेकिन वो सुनती है कि वो एक्चुअली क्या बोल रही है. आई जस्ट कांट सी, मैं नहीं देख सकती, इट इज नॉट फेयर टू चिल्ड्रन. अब वो जो मिसेस नॉर्टन है वो अपने हस्बैंड को क्या आंसर देती है कि तुम्हें जो पूछना है पूछ लो, लेकिन मैं नहीं पूछ सकती क्योंकि वो एक बच्ची है, इस तरीके से हमें नहीं पूछना चाहिए. आई डोंट माइंड देन मिस्ट, बट द वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर इट. एक्चुअली मुझे कुछ माइंड नहीं होता, बट ये हमारी जो सोसाइटी है, जो वर्ल्ड है, आज भी मतलब इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते. वो किस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा. दे आर नीदर वन थिंग नोर द अदर, ना तो मतलब उनको ये लग रहा था कि ना तो एक इस चीज को ना उस चीज को मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगी हमारा जो वर्ल्ड और सोसाइटी है, तो वो इस तरीके से आपस में बातें कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ. हेनरी वेक दैट चाइल्ड एंड सी इफ शी वॉन्ट्स टू ईट. अब जो हेनरी है जो वो उससे पूछता है कि मतलब वो जो हस्बैंड में बात करते फिर वो बोलते हैं कि इसको उठाओ और कुछ खाने के लिए बोलो, क्योंकि वो सीट पे सो रही थी, वो दोनों आपस में उसी के बारे में बातें कर रहे थे. बट कैरल जो है वो मतलब अपनी आईज को क्लोज करके उनकी सारी बातों को सुन रही थी, और फिर हेनरी जो है वो क्या बोलता है कि इसको उठाओ और उसको कुछ खाने के लिए बोलो.
पैरा 33, व्हेन द मैन टैप्स हर शोल्डर, और जब वो मिस्टर नॉर्टन है उसके शोल्डर को टैप करते, हाथ रखते हैं उस पे, कैरल ओपन्स हर आईज, वो जो कैरल है अपनी आईज को ओपन करती है. आई हैव टू गो टू द बाथरूम शी सेज, और वो क्या कहती है, मुझे बाथरूम के लिए जाना है. बट दे आर गोइंग टू सर्व द मील, द मैन सेज, लेकिन जो मिस्टर नॉर्टन है वो कैरल को क्या बोलते हैं कि अभी तो खाना सर्व होने वाला है, ठीक है. So what happened, Henry? If she wants out, let her out. She is only a child. अब जो मिसेस हेनरी है वो क्या बोलती है कि हेनरी, हाँ सॉरी, जो मिसेस नॉर्टन है मिस्टर नॉर्टन को क्या बोलती है, हेनरी शी इज अ चाइल्ड, ये एक चाइल्ड है. शी इफ शी वॉन्ट्स टू गो आउट, अगर ये बाहर जाना चाहती है, let her go, उसको जाने दो, उसको क्यों रोक रहे हो आप. Then पैरा 36, कैरल grimaces. What is the meaning of grimaces? It means twist her face because she doesn't like what they said. मतलब जो कैरल है उस अजीब से वो अपने एक्सप्रेशन देती है, अपने फेस को थोड़ा ट्विस्ट करती है. एंड शी इज डेफिनेटली नॉट अ चाइल्ड. अब वो जो है कैरल, एक्चुअली उनकी जब वो मिसेस नॉर्टन बोलती है शी इज अ चाइल्ड, तो वो उस बात को सुनकर थोड़ा उसको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसके फेस के जो एक्सप्रेशन है वो अच्छे से नहीं देती है. और वो क्या बोलती है, शी इज नॉट अ चाइल्ड, कि वो एक चाइल्ड या बच्ची नहीं है, शी इज अ यंग लेडी, वो तो एक यंग लेडी है. यहाँ देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, इट मींस वो यानी कि यंग लेडी नहीं है, लेकिन वो बोल रही है कि शी इज अ यंग लेडी, वो तो एक यंग लेडी है ना. पैरा 37, वंस इन द आइल कैरल रियलाइजेस शी हैज फॉरगेटन एनी, और जैसे ही वो पास वाली जो बीच में आयल जो सीट है उसके पास आती है, तो कैरल को रियलाइज होता है कि उसने अपनी जो डॉल एमी है उसको वो भूल गई है. हेनरी नॉर्टन हैंड्स एट द डॉल, देयर यू गो. अब वो क्या बोलता है, हेनरी नॉर्टन जो है उसने उसकी जो डॉल है एमी उस पर अपना हाथ रखा हुआ है और उसको बोलता है कि तुम इसको ले जाओ. एंड डोंट फॉल आउट ऑफ द प्लेन नाउ, और उसको क्या बोलता है कैरल को मिस्टर नॉर्टन कि तुम कहीं प्लेन से बाहर मत गिर जाना. देयर इज अ बिग होल डाउन बाय द टॉयलेट, वो क्या बोलता है कि टॉयलेट के साइड में बहुत बड़ा होल है, तो तुम उधर मत गिर जाना. ऑब्वियसली यू ऑल नो अबाउट द एरोप्लेन, सबको पता है प्लेन में ऐसा कोई होल नहीं होता है, एवरीथिंग इज पैक्ड, सब कुछ अच्छे से पैक्ड होता है. लेकिन वो उसको अननेसेसरी टीज करता है कि भाई तुम टॉयलेट के लिए तो जा रही हो, लेकिन जो होल बना हुआ है वहां पर तुम मत गिर जाना. इस तरीके से वो उसको परेशान करता है. There is not Carol says. Carol क्या बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई होल होल नहीं है. There is not any such thing. यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है, कैरल उसको आंसर देती है. She heads down the aisle with an eye out just in case there is a hole after all. लेकिन उसको लगता है कहीं यहीं पे कोई होल ना हो, आयल की जो सीट वीट है और मैं गिर जाऊं, तो वो अच्छे से चारों तरफ देखती है. पैरा 40, कमिंग आउट ऑफ द टॉयलेट, और टॉयलेट से बाहर आते हुए कैरल फाइंड्स द स्टूवर्ट, और वो कैरल जो है वहां की जो एयर होस्टेस है उनको देखती है. एक्सक्यूज मी, कुड आई सीट समवेयर एल्स, क्या मैं दूसरी जगह बैठ सकती हूँ, एयर होस्टेस को कैरल पूछती है. द वुमेन फ्रॉन्स वाय, अब जो वुमेन है वो जो एयर होस्टेस है वो उसको थोड़ा सा बहुत ही डर्टी लुक देती है. वाय, क्यों, आई डोंट लाइक द विंडो, मैं जो विंडो सीट पे जहां मैं बैठी हुई हूँ मुझे वो पसंद नहीं है. एक्चुअली इज दैट द ओनली रीजन, क्या एक यही रीजन है जिस वजह से तुम सीट चेंज करना चाहती हो, एयर स्टोर्स ने उससे पूछा. वेल यस, हाँ बस यही एक रीजन है. पैरा 45, आई एम सॉरी बट वी डोंट हैव टाइम टू मूव यू नाउ, वी आर सर्विंग अ मील, आस्क मी लेटर इफ यू लाइक. अब वो क्या बोलती है कि अभी तो मैं आपको सीट नहीं दे सकती, अभी तो मूव नहीं कर सकती, क्योंकि हम अभी जो है जो मील यानी खाना जो है उसको सर्व करने वाले हैं. जब खाना हम सर्व करते उसके बाद में तुम उससे पूछ लेना, तब मैं बता दूंगी आपको. आफ्टर कैरल हैज ईटन एंड हैड हर ट्रे टेकन, द मैन सेज, व्हाट आर यू एनीवे, माय वाइफ एंड आई वर वंडरिंग. अब जब कैरल ने अपना खाना खा लिया उसके बाद में जो मिस्टर नॉर्टन है वो उसे क्या पूछते हैं, व्हाट आर यू एनीवे, माय वाइफ एंड आई वर वंडरिंग. अब वो दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही वंडर आज सरप्राइज होते हुए उसे पूछते कि आखिर तुम कहाँ, कौन हो, कहाँ से, इस तरीके से वो क्वेश्चन करते हैं. Then Carol blinks, sees the man's clear blue eyes and drop her head. What do you mean? She says. वो जो Carol है, जब वो Mr. Norton उसे इस तरीके का आंसर पूछते हैं,
तो वो अपने जो है कैरल अपनी आईज को ब्लिंक करती है, ऐसे करता है ना आईज को ब्लिंक, इस तरीके से करती है और उस मैन को की जो ब्लू आईज है उसकी तरफ देखती है एंड ड्रॉप हर हेड और उसके हेड की तरफ देखती है और वो क्या बोलती है कि व्हाट डू यू मीन बाय, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से वो उसको आंसर करती है, यू नो व्हाट आर यू व्हाट रेस। अब वो जो मिस्टर नॉर्टन है आखिर वो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं जिस वजह से बहुत ही क्यूरियस होते हैं, व्हाट इज योर रेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस, इट मींस ग्रुप दैट ह्यूमंस कैन बी डिवाइडेड इनटू अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ देयर स्किन एंड अदर फीचर्स। कुछ लोगों को जो होता है उनके कलर के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब गोरों को अलग कालों को अलग, तो इस तरीके से जो डिवाइड किया जाता है दैट इज कॉल्ड रेस। तो उसको बोलते हैं कि तुम कौन सी रेस की हो, मतलब किस रेस की हो। कैरल माउथ्स ड्रॉप रेस, तो कैरल जो है अपने माउथ को ओपन करके बोलती है रेस मतलब क्या, व्हाट इज दैट, शी डजंट अंडरस्टैंड। उसने बोलता है ये क्या पूछ रहे हो आप, एक्चुअली वो समझ नहीं पाई थी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस, क्या है आखिर रेस, उसको समझ भी नहीं आया। येट शी सेंस दैट द मैन इज आस्किंग अ बैड क्वेश्चन, और अभी येट शी सेंस दैट द मैन इज आस्किंग अ बैड क्वेश्चन, और वो देखती कि अभी तक वो जो मैन है उसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछा ही जा रहा था और बार बार पूछा जा रहा था। शी विशेस हर मॉम एंड डैड वर देयर एंड दे कुड टेल व्हाट रेस मीन। अब वो जो है वो ये पूछ रही है शी विशेस हर कि तुम्हारे जो मैं फादर और मदर है एक्चुअली वो क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, दे कुड टेल व्हाट रेस मीन, क्या तुम्हारे मदर फादर ने तुम्हें नहीं बताया कि रेस का मतलब क्या होता है। तो इस तरीके से मिस्टर नॉर्टन कैरल से पूछते हैं दैट डॉल ऑफ योर्स इज ब्लैक। अब जो मिस्टर नॉर्टन है वो क्या बोलते हैं कैरल से कि तुम्हारी जो डॉल है वो तो ब्लैक है। हेनरी नॉर्टन सेज, जो नॉर्टन है हेनरी नॉर्टन वो क्या बोलते हैं, तुम्हारी जो डॉल है वो जैसे ब्लैक है, उसको बताते हैं एक्चुअली क्या होता है रेस, दैट इज अ निग्रो डॉल। वो जो तुम्हारी डॉल है वो क्या है, निग्रो डॉल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निग्रो, इट मींस इज एन ओल्ड फैशन एंड ऑफेंसिव वर्ड फॉर अ ब्लैक पर्सन, डू नॉट यूज दिस वर्ड। एक्चुअली जो लोग ब्लैक होते हैं, काले लोग होते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, बट हमें ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए एंड यू ऑल्सो, तुम्हें भी ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए निग्रो वर्ड। तो वो जो मिस्टर नॉर्टन है कैरल को क्या बोलते हैं, तुम्हारी डॉल है वो तो निग्रो है एक्चुअली, दैट्स रेस निग्रो। इसका मतलब इसकी जो रेस है वो क्या है, निग्रो, यानी वो काली है तो इसकी रेस क्या हो गई, निग्रो। तो सेम एज इट इज ही वो उसे पूछ रहे थे कि तुम्हारी रेस क्या है, तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या तुम्हें अभी तक ये चीज नहीं बताई है, व्हाट इज योर रेस, वो उसे पूछते हैं। द क्वेश्चन स्टिल कंफ्यूजेस हर, एक्चुअली वो जो क्वेश्चन किया था मिस्टर नॉर्टन ने कैरल से, वो क्वेश्चन अभी भी उसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, वो समझ ही नहीं पा रही थी एक्चुअली वो क्या पूछ रहे हैं। Put it this way, the man says, "What is your father?" और इस तरीके से जो मिस्टर नॉर्टन है वो उसे क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हारे फादर जो है वो क्या है, उनकी क्या रेस है। The question baffles her, and what is her father? And he is her dad, and he is her dad, and every Sunday morning he makes pancakes for the whole family and lets Carol's pour hot syrup on them. The afterwards he tells her stories. अब जब जो मिस्टर नॉर्टन है जो कैरल से क्वेश्चन पूछते हैं तुम्हारे फादर क्या है, तो कैरल उसको क्या आंसर देती है, फादर मतलब फादर है मेरे पापा है वो, है ना, और क्या बताती है अपने फादर के बारे में, एवरी संडे मॉर्निंग ही मेक्स पैनकेक्स। वो क्या बताती है, हर संडे को मेरे जो फादर है वो हमारे लिए क्या बनाते हैं, पैनकेक्स बनाते हैं और पूरी फैमिली के लिए, एंड लेट कैरल पोर होट सिरप, और क्या बोलती है कैरल, और उसके बाद में वो पैनकेक बनाने के बाद में सिरप एक तरीके से चाशनी को बोला गया है, जो चीनी जो चाशनी बनती है वो उसके ऊपर स्प्रेड करते हैं ऑन देम, एंड आफ्टरवर्ड्स ही टेल्स हर स्टोरी, और उसके बाद में वो हमें स्टोरी बताते हैं। तो इस तरीके से अपने फादर के बारे में उसको बताती है। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। सो टिल दैट थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।